आज हम बनाने जा रहे हैं इंदौर की बहुत ही फेमस रेसिपी खोपरा पैटीज। और ये रेसिपी इंदौर का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। देखने से भी लग रहा है ना ये एकदम टेम्पटिंग, बनाने में ये बेहद आसान है और ये खाने में कितने ज़्यादा क्रिस्प है ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए कैसी इनसे आवाज़ आ रही है, एकदम बढ़िया। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं इन पैटीज़ की फिलिंग को। यहाँ एक बड़े बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी गोले का बुरादा, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक या फिर आप अदरक को मेरी तरह से कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून किशमिश, और किशमिश को मैंने इसके अंदर काट के ऐड किया है, काटने की वजह से किशमिश का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें, और नमक ऐड करने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, और फिलिंग की अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबला हुआ आलू। उबले हुए आलू को हमें अच्छे से ग्रेट करके इसके अंदर ऐड करना है। उबला हुआ आलू यहाँ पर मैं लगभग 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आलू हमें ऐड नहीं करना है, बस हमें इतना आलू ऐड करना है ताकि इससे मिक्सर की अच्छी बाइंडिंग हो सके। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा फिलिंग वाला मिक्सर बनकर एकदम तैयार है, और अब हम पैटीज़ की ऊपर की लेयर की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइसेस से ब्रेड क्रम्स तैयार करने वाली हूँ। आप चाहें तो ड्राई ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप ब्राउन या वाइट किसी भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डालकर हम पल्स मोड पर चलाएंगे, और ये लीजिए हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। तो इसको मैं रखती हूँ एक तरफ, और अब बारी आती है आलू की। आलू को अच्छे से उबालने के बाद में हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, या आप चाहें तो इसे लगभग 1 घंटे के लिए उबले हुए आलूओं को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि हमारा जो डो इसका मिक्सचर तैयार हो वो बहुत ही बढ़िया हो। आलू को हमें हाथ से नहीं फोड़ना है, इसे कद्दूकस करना है क्योंकि हमें इसका डो तैयार करना है। तो सारे आलू को मैं यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ। जितनी पैटीज़ मैं बना रही हूँ उनके लिए मैं यहाँ पर 3 बड़े आलू का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आलू कद्दूकस होकर तैयार है, और अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और नमक के बाद में हम इसमें ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैं लगभग 3 बड़े चम्मच भर के इसमें ऐड करने वाली हूँ, और थोड़े से हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं वरना पैटीज़ का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है, और बचे हुए ब्रेड क्रम्स को सुखाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी और बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा डो बनकर तैयार है, और इस डो में से मैं थोड़ा सा पोर्शन अभी निकाल कर इसे एक बार फ्राई करके देख लूँगी। अगर ये फ्राई करते वक्त नहीं फट रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पैटीज़ हैं वो एकदम बढ़िया बनेंगे, और अगर ये फ्राई करते समय फट जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम मिला लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बॉल एकदम बढ़िया बनकर आया है, बिल्कुल भी नहीं फटा है, तो इसका मतलब हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो फाइनली अब बारी आती है हमारे पैटीज़ बनाने की। तो जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसके मैंने बॉल्स बना लिए हैं छोटे छोटे, और जो हमने आलू का भी डो तैयार किया था वो भी इधर हमने रख लिया है। तो यहाँ पर हाथों में मैंने थोड़ा सा ड्राई कॉर्नफ्लावर लगा लिया है, और इस डो को हम लेकर इस तरह से हथेलियों में फैलाएंगे, और हथेली पर फैलाने के बाद में हम फिलिंग वाला बॉल इसके अंदर रख देंगे और इसे चारों तरफ से बंद कर देंगे। अच्छे से घुमाते हुए इसे हम पूरी तरह से सील कर देंगे, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा बड़ा सा बॉल बनकर एकदम तैयार है। यहाँ पर मैंने पैटीज़ बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप बहुत ही इजीली इन बॉल्स को बना पाएंगे। तो सारी बॉल्स को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है, और सेकेंड बॉल को आप देख सकते हैं कि मैं रिफाइंड ऑयल की हेल्प से बना रही हूँ। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए हम मीडियम गर्म तेल का इस्तेमाल करेंगे, और एक बॉल तेल में डालने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा तेल करछी की हेल्प से डाल देंगे, और उसके बाद में हम दूसरी पैटी इसके अंदर डालेंगे।
तेल एक बार जब आप करछी से पैटी के ऊपर डाल देते हैं तो जब आप दूसरी पैटी तेल के अंदर डालते हैं तो ये आपस में चिपकती नहीं है। तो सारी पैटीज़ को हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे और तब तक तलते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। चारों तरफ से एक बार ये थोड़ा थोड़ा सिक जाएं, उसके बाद में हम करछी से इन्हें पलटते हुए चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया करके सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पैटीज़ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अब बारी आती है इन्हें तेल से बाहर निकालने की और सर्व करने की। पैटीज़ को सर्व करने के लिए हम इमली की मीठी चटनी का यूज़ करने वाले हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्प बनी है। ये देखिए इसकी लेयर, और तोड़ने पर हमारी पैटी कुछ अंदर से इस तरह की दिखाई दे रही है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।